अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। हर राज्य में कांग्रेस आपसी गुटबाजी से परेशान है, लिहाजा नेता पार्टी को बाय बाय बोलकर बीजेपी या टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के अलावा ममता बनर्जी की पार्टी भी कांग्रेस को तोड़ने में लगी हुई है। बीजेपी के साथ साथ ममता बनर्जी भी कांग्रेस को झटका दे रही हैं। हालांकि अब बीजेपी ने ही कांग्रेस में सेंधमारी की है। यूपी में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, इससे पहले कांग्रेस को यूपी में ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस को यूपी में सत्ता का स्वाद चखाना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं को न प्रियंका पर विश्वास है और न ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर। कांग्रेस नेताओं को विश्वास है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर, लिहाजा कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए बेचैन हैं। हाल ही में पीएम मोदी प्रयागराज दौरे से वापस लौटे हैं और पीएम के वापस होते ही 3 बार के विधायक राजेंद्र त्रिपाठी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि त्रिपाठी का इस तरह कांग्रेस छोड़ना प्रियंका गांधी के उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा है, जो उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिखाए हैं। वहीं राजेंद्र त्रिपाठी के इस तरह कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को भारी नुकसान भी हो सकता है और ब्राह्मण वोट खिसक सकता है। इससे पहले कांग्रेस के एक और बड़े ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद जितिन प्रसाद योगी सरकार में मंत्री भी बन गए। वहीं अभी हाल ही में रायबरेली सदर से विधायक रही अदिति सिंह ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। उस दौरान भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला था। वहीं इससे पहले 2017 के चुनाव में पार्टी की वरिष्ठ नेता रही रीता बगुड़ा जोशी भी बीजेपी में शामिल हो गई थी। विधायक राजेंद्र त्रिपाठी के अलावा बीएसपी के पूर्व विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत, पूर्व आईएएस गुरबचन लाल, राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महामंत्री मुनिदेव शर्मा समेत कई नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। मुनिदेव को आरएलडी नेताजी सिंह का काफी करीबी माना जाता था। हालांकि सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को राजेंद्र त्रिपाठी के रूप में लगा है। राजेंद्र त्रिपाठी के बीजेपी में शामिल होने से प्रयागराज में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं यूपी के बड़े नेताओं का इस तरह से बीजेपी में शामिल होने से साफ है कि चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी फ्रंट फुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।